हेलो लियोस, वेलकम टू गरुमाइन दिटारो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, Temperance, Ace of Wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आई थिंक ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनके हाथ से चीजें ऑलरेडी निकल चुकी हैं, उनके कंट्रोल से सब कुछ बाहर है और वो आपको कमिटमेंट देने की सिचुएशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस बात से बहुत खुश है या उनको बहुत आसानी से इस फीलिंग से छुटकारा मिल जाएगा कि यू नो वो आपसे कनेक्टेड है। पर इस पॉइंट पे इस पर्सन को लगता है कि ये ज़्यादा इजी है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना, इग्नोर करना कहीं ज़्यादा इजी है बजाय चैलेंजेस को फेस करने के। ये पर्सन आपको ये नहीं बता रहा कि ये रेडी नहीं है उन चेंजेस के लिए जो आप दोनों के जीवन में आ रहे हैं। टेम्परेंस के कार्ड के साथ शायद इस पर्सन ने आपसे ये कहा था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस रिलेशनशिप के वर्क करने का एंड कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पर इस पॉइंट पे ये पर्सन बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, वो किसी को अपसेट नहीं कर सकते। कोई ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं ये, एंड उन्हें हमेशा यही सिखाया गया है कि हर किसी से कनेक्टेड रहना ही है आपको और आप किसी को भी अपसेट नहीं कर सकते। उस अपब्रिंगिंग का असर यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। द मजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज परफेक्ट है। इनफैक्ट जब भी आप इनसे कुछ पूछेंगे ये आपको कोई एक्सक्यूज दे देंगे या कोई बहाना बनाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए कहीं गायब ही हो जाए पूरी तरह से। और एस ऑफ वांड्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि यू नो आप चीजों को पाकर भी नहीं फील कर पा रहे। एस ऑफ वांड्स का मतलब है कि ब्लेसिंग मिलना। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को ये एहसास है कि ये पर्सन ही आपके लिए बेस्ट है और यूनिवर्स का गिफ्ट है एंड इससे ज्यादा परफेक्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं आप ये जरूर महसूस करेंगे कि अब ये इंतजार जो है वो हद से ज्यादा लंबा होता जा रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं देखा कि आपने इस रिलेशनशिप को कितना नर्चर किया है, कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, और आज इस पॉइंट पे आने के बाद भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे क्योंकि ये रेडी ही नहीं है। और ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज हो सकती है इस पॉइंट पे जिससे आपको डील करना पड़ सकता है क्योंकि ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करने के लिए। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि ये पर्सन बोले कि
ये वक्त सही नहीं है हमारे कमिट करने का, मुझे कुछ और वक्त चाहिए, मुझे कुछ और वक्त चाहिए, एंड आप वेट करते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप और कितना वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद ऑलरेडी बहुत सारा वेट कर चुके हैं। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। ये पर्सन खुल के आपके सामने अपने मन की बात नहीं रखेगा कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है और वो सोच भी नहीं सकते अपने दायरे से बाहर जाने के बारे में, भले ही उनका खुद का जो जीवन है वो बिल्कुल ही कलरलेस हो जाए और बिल्कुल ही बोरिंग हो जाए, बिल्कुल ही लवलेस हो जाए, मगर फिर भी वो दूसरों को अपसेट करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में किसी तरीके का डर बैठा हुआ है दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन को खोने का। ये इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात हो सकती है आपके लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, Queen of Swords, King of Wands, and the Fool, Ace of Swords. ऐसा लग रहा है कि किसी टॉपिक पे पर्सन कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके पास वापस जरूर आएगा दोबारा, फ्रेंडशिप का ऑफर लेके, लव का ऑफर लेके, मीठी मीठी बातें लेके। बट जब भी आप कोई रियल क्वेश्चन इनसे करेंगे कि आप उन्हें कब तक यू नो कमिटमेंट देना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई मीन वो कब तक आपको कमिटमेंट देंगे, जब भी आप ये बात उनसे पूछेंगे ये पर्सन बात को पूरी तरह से टालना चाहेगा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये साइलेंट हो जाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये पर्सन हो सकता है आपको ही ब्लेम करना शुरू कर दे कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, वेट नहीं कर रहे, या रिलेशनशिप को ग्रो करने का टाइम नहीं दे रहे, आपको और ज़्यादा समय लेना चाहिए, इस तरह की बातें। किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहा है ये पर्सन और काफी प्रैक्टिकल और समझदार होते जा रहे हैं ये, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और जरूरत से ज्यादा फ्यूचर पे फोकस्ड है, अपने आज को नहीं देख रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि लव वेट कर सकता है और यू नो आप तो समझते ही हैं, वो जब भी आपसे वक्त मांगेंगे उन्हें वक्त मिलेगा, आपको वेट करवाया जा सकता है, मगर दूसरे लोग उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो उन्हें दूसरे लोगों से डील करना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है। ये पर्सन फिलहाल तो यही सोच रहा है। द फूल के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं या आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो इस पर्सन को डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के साथ फेस कीजिए। इस पर्सन को ये बताइए कि आप टायर्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में इतना सारा वक्त और यू नो लव इन्वेस्ट करके, अब आप और कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता रहा तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। चारों आपसे कह रहा है कि बिल्कुल अपने मन की बात खुलकर कहिए, किसी बात को अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं, और ये वक्त है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Imran, where are you being called to journey to? तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका मन आपसे क्या कहने को
कर रहा है, आई मीन क्या करने को कह रहा है. ओके, यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन की बात सुनिए. अगर आपका मन आपसे कह रहा है कि आपको अब बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए, इस पर्सन को बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, या आपको अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए, टॉक्सिसिटी से दूर जाना चाहिए, चाहे जो भी बात हो आपके मन में खुल के कहिए और अपने मन को फॉलो कीजिए एंड खुल के खुद को एक्सप्रेस कीजिए, चीजों को खुली आंखों से देखिए, जो भी है उसे देखिए, इग्नोर करने की कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है. तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के बारे में कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.